दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ोटो, नाम और मोबाइल नंबर डालकर। जी हाँ, बिल्कुल ही आसान है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर पोस्टर को देख पा रहे हैं, इस तरीके का पोस्टर आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है पिक्सल लैब एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस प्रकार दिखेगा। आपको इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद में यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में आपको एक पोस्टर बैकग्राउंड मिल जाएगा आपके गैलरी में, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, इस पोस्टर बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पोस्टर को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने पोस्टर बैकग्राउंड आप सभी को दिया है वह एक जिप फाइल में है और जिप फाइल में पासवर्ड लगा है, ठीक है। तो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में डिस्प्ले पर चार जगह शो होगा। जी हाँ, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो पासवर्ड आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस पासवर्ड को डाल के इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको इस एप्लीकेशन में इसे ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको इस पोस्टर बैकग्राउंड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना फ़ोटो लगाना है और आपका जो नाम है वो लिख देना है और जो आप मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम फोटो लगाते हैं। फोटो लगाने के लिए आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप फोटो लगाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ओके करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपका फ़ोटो है वो PNG होना चाहिए, ठीक है। अगर PNG आप फ़ोटो नहीं रखते हैं तो पोस्टर बिल्कुल ही ख़राब दिखेगा। तो आपको अपना फ़ोटो जो है PNG बना लेना है। अगर आप फ़ोटो को PNG बनाना नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं और सीख सकते हैं फ़ोटो को PNG कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कॉर्नर दिखेगा जो कि साइड में है। आपको इसे पकड़ कर अपने इमेज को छोटा बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे आपको अपनी इमेज सेट करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इमेज का, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद में हम इसमें अपना नाम ऐड करेंगे। तो नाम ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट को आपको यहाँ पर लाना है। इसके बाद में डेवलप क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो है उसे आपको हटा देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख दीजिए, वरना आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका नाम लिख चुका है। इसके बाद में ओके करेंगे। यहाँ पे नाम आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रोल कर देना है और यहाँ पे आपको कलर पे क्लिक कर देना है। कलर आप इसका अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अभी मैं रेड कर दे रहा हूँ। इसके बाद में ओके करूँगा। इसके बाद में आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको बी स्टाइल जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको ये, इसके बाद में ओके करेंगे। अब दोस्तों, आपको इसमें स्ट्रोक देना है तो आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है। इसके बाद में स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इसे इनेबल कर देना है। स्ट्रोक का कलर आपको वाइट कर देना है और स्ट्रोक विड्थ आपको यहाँ पे बढ़ा लेनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे अपने अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद में ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका नाम भी आ चुका। अब आप नाम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है। कॉपी पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दूसरा लेयर आ जाएगा टेक्स्ट का, तो आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है और इसको जो आपने नाम लिखा है इसको आपको कट कर देना है। अब दोस्तों, हम इसमें अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद में ओके करेंगे। अब दोस्तों, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया है।
आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेट कर दीजिए। इसके बाद में अगर आप मोबाइल नंबर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वाले लेयर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद में कलर पे क्लिक कीजिए, कलर आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में ओके कर दीजिए। अब दोस्तों जो आपका पोस्टर है वो बिल्कुल ही तैयार है। अब हम इसे अपने गैलरी में सेव करेंगे। गैलरी में सेव करने के लिए सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एज़ इमेज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगा तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा कर देना है। इसके बाद में सेव टू गैलरी पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जो आपका पोस्टर है वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरह मोबाइल फ़ोन की मदद से इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर बना सकते हो। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।